छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी के आंदोलन को भाजपा पार्षद दल और नगर मंडल भाजपा का मिला समर्थन। विधि विधान से बस्तर गुंचा नेत्र उत्सव पूजा विधान की हुई शुरुआत। परिजन अपने बच्चों के भविष्य हेतु दर दर भटकने को हुए मजबूर। बस्तर सांसद व चित्रकूट विधायक ने हर्रा कोडेर में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला और पुरुष महासंघ के द्वारा प्रदेश भर से आए हुए स्वच्छता दीदियों ने जगदलपुर के मंडी प्रांगण में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से आई हुई स्वच्छता दीदियां मंडी प्रांगण में धरने के दौरान अपनी आवाजें नारों के माध्यम से बुलंद करते रहे। स्वच्छता दीदियों को संबोधित करते हुए सच छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी पुरुष महासंघ प्रदेश अध्यक्ष पवन नायक ने कहा कि सरकार गरीबों का मजाक बनाना बंद करे। जिस तरह से यह स्वच्छता दीदी कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, हर मौसम में 44 डिग्री तपती धूप हो या बरसात ठंड, हर समय अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करती हैं। बहुत ही थोड़े से मानदेय में और जिस तरह से घरों का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कचरे को, गंदगी को लेकर अपने हाथों से वर्गीकरण कर, चाहे सूखा गीला इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक पेड, हगीज नैपकिन जैसे चीजों को अलग अलग अपने हाथों से करते हैं, यह कार्य यदि हम देखें तो अमानवीय है, मगर हम गरीब हैं, मजबूर हैं, मजबूरीवश इस तरह के कार्य कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नगर निगम संजय पांडे ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर यह विज्ञापन कर रही है कि मुस्कुराइए, आप देश के सबसे स्वच्छ प्रदेश में हैं, और मुख्यमंत्री स्वयं फ्लैक्स लगाकर अपने चेहरे को चमकदार झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। वास्तव में यह संभव हो पाया है छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दीदियों के कारण। जहां मुख्यमंत्री अपने चेहरे को चमकाने में व्यस्त हैं, वहीं प्रदेश भर से आई हुई तमाम स्वच्छता दीदियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। संजय पांडे ने कहा है कि यूजर चार्जेस में आपका पूरा अधिकार है, पर प्रदेश में यूजर चार्जेस अन्य मदों में खर्च किए जा रहे हैं। पूरे नगरीय निकायों में आपके पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। सेंटरों में केंद्र द्वारा दिए गए पैसों से मशीनें तो खरीदी जा रही हैं, लेकिन वह मात्र कमीशन खोरी के लिए ही की जा रही है। वास्तव में उसका कोई भी लाभ आपके आय के साधन बढ़ाने में नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपकी मांगों का समर्थन करती है और हर स्तर पर आपके मांगों के समर्थन पर सहयोग करने तैयार है। हमारे मानदेय राशि कलेक्टर दर पे मिलना चाहिए, क्योंकि 6000 तनख्वाह में ना तो हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है, ना हमारे घर परिवार चल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे मानदेय राशि को 6000 तनख्वाह से बढ़ाकर कलेक्टर दर में दिया जाए। दूसरा हमारी मांग है पीएफ कटना चाहिए, ताकि हमें हमारे आने वाले आगे भविष्य में हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए सेफ हो सके। क्योंकि तीसरा हमारा है, हमारे सप्ताह में अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई ये नहीं करेंगे, कल 12 बजे हड़ताल निकालेंगे। आज पूरे प्रदेश से स्वच्छता दीदियाँ सुदूर बस्तर में आकर अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करने के लिए विवश हो। प्रदेश की निकम्मी और अहंकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, निर्दयी सरकार और गैर जिम्मेदार सरकार, इन स्वच्छता दीदियों के नाम से तो अपने चेहरे चमचमाने में लगी हुई है। आप राजधानी में चले जाइए, एयरपोर्ट के सामने जैसे आप जाएंगे, या राजधानी में किसी चौक चौराहे में जाइए, तो आपको वहाँ लिखा मिलेगा कि मुस्कुराइए, कि आप देश के सबसे स्वच्छ प्रदेश में। ये स्वच्छता कहाँ से है? उसके बगल में भूपेश बघेल का बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा हुआ है। भूपेश बघेल का चेहरा तो मुस्कुरा रहा है, परंतु आप यहाँ पे देखिए, जो स्वच्छता दीदी आई है, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। जिनकी बदलों के प्रदेश स्वच्छ है और जिसकी झूठी वाहवाही लेने में भूपेश सरकार व्यस्त है, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। जायज मांगे हैं उनकी 3 कि उनको दैनिक वेतन भोगियों के जो दर मिलता है वो उन्हें मिलना चाहिए, उनका पीएफ कटना चाहिए, उनको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो भी आगे इतनी शासकीय कर्मचारी नहीं थी, परंतु उन्होंने एकता में बल दिखाया और सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें 10,000 रुपये दिया गया, प्रदेश सरकार 10,000 रुपये दे रही और इनको जो 6,000 रुपये मानदेय मिलता है, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे 5,000 और मात्र 1,000 रुपये भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार से मिलता है। इनकी मांग है कि इन्हें भी दैनिक वेतन की तरह वेतन मिलना चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए। आखिर 6,000 रुपये में इनका घर कैसे चलेगा? स्वच्छता दीदी 8-8 घंटे काम करती है, सैनिटाइजेशन करती है, घरों से कचरा लेकर हगीज पैड जैसे चीज़ों को अपने हाथों से, चाहे इनके हाथ में ग्लोव्स हो या नहीं हो, हम सब देखते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग करके इसको एसआरएम सेंटर तक ले जाती हैं। और उसके बावजूद इनकी मांगों को लेकर हमेशा लगातार ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहे। आज जगदलपुर में आने के बाद इन्होंने 3 दिवसीय धरने की अपनी मांग की थी। पहले इनको आश्वासन दिया गया कि हम 2 दिन का धरने का अनुमति देंगे और कल अचानक परिवर्तन करते हुए सिर्फ 1 दिवसीय इनको धरने का अनुमति दी गई। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक है। प्रशासन जो है सरकार के दबाव में स्वच्छता दीदियों की आवाज़ को दबाने के लिए, इनके आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह से कुचक्र रच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सारे इन स्वच्छता दीदियों के जायज़ मांगों के साथ में हैं। इनकी मांगे, इनका आंदोलन जिस रूप में होगा, भारतीय जनता पार्टी इनके आंदोलन को तन मन धन से इनका समर्थन करेगी। ठीक है। बस्तर गोंचा पर्व 2023 में तय कार्यक्रम के अनुसार 5 जून से 18 जून तक श्री जगन्नाथ स्वामी के अंसर काल अवधि के बाद आज 19 जून को भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी के विग्रहों को श्री मंदिर में गर्भगृह के सामने भक्तों के दर्शनार्थ स्थापित किए जाने के बाद 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के पदेनपाड़ी पानीग्रही के द्वारा शताब्दियों पुरानी परंपरा अनुसार नेत्रोत्सव पूजा विधान सम्पन्न कराया गया। वही गोंचा समिति के अध्यक्ष ललित पांडे ने बताया कि नेत्रोत्सव पूजा विधान की परंपरा का निर्वहन शताब्दियों से हमारे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। नेत्रोत्सव पूजा की परंपरा अनुसार भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र के विग्रहों की साज श्रृंगार के साथ विधि विधान से पूजन हवन के साथ संपन्न किया जाता है। अंसर काल अवधि के बाद भगवान को आज विशेष भोग का अर्पण किया गया, जिसे श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी के दर्शन एवं भोग प्रसाद का विशेष महत्व होता है। 20 जून को भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी के 22 विग्रहों को रथारूढ़ कर रथ यात्रा होगी। कार्यक्रम धूमधाम से चलाया जाता है। जिस कार्यक्रम 4 तारीख से चालू होकर 29 तारीख तक समाप्त होगा। इस बीच में 4 तारीख को देवी स्नान का कार्यक्रम भगवान का चला, उसके बाद भगवान अनशन काल में चले गए और उसके बाद आज नेत्र उत्सव का कार्यक्रम चला और कल रथ परिक्रमा होगा और उसके बाद प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद तुक्की भी चलेगा और उसके बाद भगवान अपने उसमें सीधा साधन जगदलपुर के जगतुबहारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 8वीं पास कर चुके बच्चों को अभी तक नहीं मिल पाई है कक्षा 9वीं में प्रवेश। आपको बता दें कि जो बच्चे जगतुमहारा स्कूल में 8वीं पास होते हैं, उन सभी बच्चों को विवेकानंद, जो अब आत्मानंद हो चुकी है, वहां विगत कई वर्षों से एडमिशन बच्चों को दिया करते थे, मगर इस वर्ष शिक्षक नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को कक्षा 9वीं में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। प्रवेश नहीं मिलने के कारण बच्चों के परिजन पिछले 3 महीनों से अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनकी एडमिशन हेतु दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। कभी आत्मानंद स्कूल, कभी जगतुमहारा स्कूल, तो कभी JD ऑफिस, तो कभी कलेक्ट्रेट ऑफिस, DO ऑफिस, अपनी सभी कामों को छोड़कर निराश मायूस होकर भटकते हुए दिख रहे हैं।
जब ग्रैंड न्यूज ने परिजनों से उनके समस्या के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग पेरेंट्स पूरे बच्चे के लिए आए हैं आत्मानंद विवेकानंद में, पहले बस्तर हाई स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते थे और पहले एडमिशन हुआ तो ये लोग बोले थे कि मतलब हम डायरेक्ट आपके बच्चे आत्मानंद विवेकानंद में जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग को 3 महीना से दौड़ा रहे हैं, कभी BO ऑफिस, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी JD सर के पास, कभी कहीं कहीं कहीं, मतलब हम 3 महीने से पेरेंट्स 1 मिनट कहीं नहीं घूम पा रहे हैं, ना कुछ भी बच्चे के लेके सिलसिले में दौड़ धूप कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं जब स्कूल खुलने वाला है तो जब आपके बच्चे को टीचर नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चे के साथ फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, बोल रहे हैं प्राइवेट में डालिए या कहीं भी डालिए, हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा। वो बोली थी टीचर देंगे तो हम ले लेंगे। अच्छा। और अभी वो भी बदल रही हैं कि मतलब सेक्शन नहीं है, बच्चे ज़्यादा हो गया है। अच्छा स्कूल से विवेकानंद निरात्मानंद में डाल देंगे बच्चे, अब क्या बोलते हैं हमारे पास सीट नहीं है, ये नहीं है, जगह नहीं है, जबकि हर साल 3 साल से यहाँ के 6 बच्चे विवेकानंद आत्मानंद में जा रहे थे। जी अचानक बोलते कि हमारे पास सीट नहीं था तो पहले बोलना था, पहले आश्वासन दिए कि आपका हो जाएगा बोल के 16 तारीख तक आप आराम से रहिए बोल के, 16 के बाद इनको क्या हुआ अचानक तो सीट कहाँ गया, 40 बच्चों का हमारा। कहाँ कहाँ गए आपने? हम कलेक्टर, JD ऑफिस, यहाँ 3 महीना से ही कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं दिन रात, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। बस्तर सांसद दीपक बैज व चित्रकोट विधायक राजमन बिंजाम ने विकासखंड लोहंडीगुड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्रा कोडेर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 19.950 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि पंचायत भवन के बन जाने से ग्रामीणों को पंचायत से संबंधित जानकारियों और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सुगमता से मिल सकेगा। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता में है। आज हमारी सरकार द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सभी विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी व हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस कार्यक्रम के दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेंजाम, जनपद उपाध्यक्ष योगेश बैज, द्रौपदी कश्यप, रूपधर मांझी, शंकर सिंह ठाकुर, विमल सलाम, गणेश दुग्गा, कृष्ण कुमार, CEO प्रवण दीवान, BMO नारायण नाग, राजमन मंडावी, गौतम ठाकुर सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 24 में निवासरत श्री लालजी द्विवेदी पिता स्वर्गीय रामविलास द्विवेदी का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जो निर्माणाधीन है, जो आवास निर्माण के अंतिम चरण छत ढलाई शेष रह गया है। वर्तमान में जगदलपुर तहसीलदार के द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर किसी कारणवश रोक लगा दी गई है, जिस कारण लालजी द्विवेदी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जिसकी गरीब से गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है, परंतु उक्त गरीब का बार बार आवास निर्माण रोककर रोक लगा दी जाती है। उक्त निर्माण कार्य 1 सप्ताह के भीतर प्रारंभ नहीं होने के कारण आज हमारे द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन विभिन्न स्थानों में किया गया। धरना स्थल निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास के समक्ष, नगर पालिका निगम के समक्ष, तहसील कार्यालय के सामने, कोतवाली चौक एवं चांदनी चौक सभी स्थानों पर 1-1 घंटे का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत भी समस्या का निराकरण नहीं होने पर जगदलपुर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा द्वारा प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल को समस्या के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपेंगे। एक प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों पर बना, गरीबों के लिए एक योजना है जिनके माध्यम से इनका प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन कांग्रेसी नेता के इशारे पर तहसीलदार महोदय के द्वारा इनका प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। नियम कायदा सिर्फ गरीब पर लागू किया जाता है, लेकिन यहाँ भूमाफिया और अमीर लोग कितने ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, इसके बाद भी निर्माण कार्य चालू नहीं कराते हैं, तो जगदलपुर सरायपुर साइकिल यात्रा करके राज्यपाल जी को ज्ञापन देके देश के प्रधानमंत्री के पास में ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री का निर्माण कार्य चालू करेंगे। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिन पर किए गए विभिन्न कार्यक्रम, शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ जनों ने दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राहुल गांधी के दीर्घायु की कामना की।
बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सर्वप्रथम बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर दीर्घायु की कामना की और वहां मौजूद निःशक्त जनों को फल वितरित किया। तत्पश्चात धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम पहुँच वृद्ध जनों को सेवा कर राहुल का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना कर राजीव भवन में पौधेरोपण के साथ श्रमदान किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय संसद के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने लोकसभा में अमेठी, उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वह मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 360 आरण्य ब्राह्मण समाज जगदलपुर के अध्यक्ष ईश्वर खंबारी सहित समाज के अनेक पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज राजमहल आकर रियासतकालीन ऐतिहासिक गोंचा पर्व में सहभागिता आत्मीय आमंत्रण दिया। बस्तर क्षेत्र की पुरातन परंपरा, रीति नीति, तीज त्योहार व संस्कृति ही उनकी प्रमुख पहचान है। ऐसे समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं के केंद्र में रहकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना अपने आप में अत्यंत अभिभूत करने वाली अनुभूति है। आम आदमी पार्टी के बस्तर जिला अध्यक्ष नरेंद्र भवानी के नेतृत्व में कोलिंग के ग्राम पंचायत मुनागढ़ के काचीर रास पारा के मूलभूत सुविधा की मांग पर कलेक्टर को ज्ञापन देके स्थानीय प्रदेश पत्रकार भवन में पत्रवार्ता लेकर कहा है कि कांग्रेस की सरकार में बेहद भ्रष्टाचार की सरकार है, जहां इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। वही इनके क्षेत्रीय विधायक व जिम्मेदार अधिकारी भी इसी कृत्य में लिप्त हैं, पर क्षेत्र में विपक्षी दल है जो इनका भ्रष्टाचार का चेहरा लगातार जनता के सामने उजागर करेगी। भाजपा जो मुख्य विपक्षी दल है, यह सब तमाशा मूक दर्शन बन देख रही है, क्योंकि इन्होंने भी तात्कालीन सरकार में यही कृत्य किए हैं, जिसका हर्जाना ग्रामीण भोग रहे हैं और इन्हें वर्षों तक सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधा तक बेहद चिंता का विषय है। वही भवानी ने कहा कि वर्ष 2021 से 2022 में कोलिंग मावलीगुड़ा से काचीर रास पारा तक सड़क निर्माण मुर्मीकरण एवं दो पुलिया निर्माण स्वीकृत था, पर आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्राम पंचायत मुंडागढ़ के काची रास पारा की समस्या को लेकर के दशकों से वहाँ पे सड़क नहीं है। अगर जिस गांव में सड़क नहीं है, उस गांव का विकास के बारे में सोच भी कैसा सकते हैं? पीने का पानी नहीं है, अगर पहुँच मार्ग ही नहीं होगा, राशन व्यवस्था कैसे जाएगी, उनके जीवन यापन, रोजमर्रा का जीवन कैसा चलेगा? आप गाड़ी लेकर चले जाइए, बारिश में फंस जाएंगे आप, ट्रैक्टर तक नहीं चल पाता है, तो मोटरसाइकिल कार का तो दूर का बात है। साथ ही साथ वर्ष 2021-2022 में सड़क निर्माण के लिए, मुरूमीकरण के लिए और दोनों पुलिया स्वीकृत था। इतनी भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस की कि इनके नेताओं ने मिल करके वो पूरा योजना खा के डकार दी। इतने 140 परिवार रहते हुए अगर 140 परिवार के लोगों का सड़क बनना आया था तो बनना था, और अगर बना नहीं है तो सर कार्रवाई होना चाहिए। लोग यहीं पर आकर के दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, इस शांतिपूर्वक रहेगा। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।